नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो झारखंड का सियासी गणित इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई इस वक्त सियासी गणित बैठाने में लगा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐलान करना शुरू कर दिया, यानी इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा। तो अब कांग्रेस इसके मद्देनजर झारखंड में बड़ा उलटफेर किया है। कांग्रेस ने केशव महतो कमलेश को राज्य की कमान सौंप दी है झारखंड कांग्रेस की। अब महतो चूंकि अब ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी नेता कांग्रेस को तो चाहिए था, क्योंकि झारखंड की सियासत में ओबीसी का बड़ा रोल है। क्योंकि आपको बता दें कि ओबीसी की पूरी आबादी झारखंड में वो 42% है, 42% है। यानी कि अगर ओबीसी नेता ढंग का सही से बैठ गया पूरी तरीके से, तो फिर चुनाव बहुत आसानी से लपेट ले जाएंगे। और बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ा झटका लगने की खबर आ रही है, मौजूदा सरकार को झटका लगने की खबर है। खबर यह कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं, वो खबर आ रही है कि बीजेपी का रुख कर सकते हैं, यानी पार्टी बदल सकते हैं। और कई बड़े ऐसे नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हालांकि ये खबरें हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है, और लगातार ये खबरें, ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेता वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं, और अगर चले गए तो फिर पूरा जो ये ओबीसी कार्ड है, जाति जनजाति वाला कार्ड है, पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि झारखंड का सियासी गणित इस वक्त किसी भी करवट, यानी ऊंट हो गया, किसी भी करवट बैठ सकता है और किसी के भी साथ। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव दहलीज पर आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने खेमे में बदलाव करना शुरू कर चुकी हैं। बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी राज्यों में गठबंधन को मजबूत धार देने के लिए दो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले, यानी शुक्रवार को चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद पार्टी ने दो राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया। बदलाव करने की मंशा साफ है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को सकारात्मक परिणाम मिले। बता दें कि जिन राज्यों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, उनमें जम्मू कश्मीर और झारखंड का नाम शामिल है। पार्टी ने झारखंड में केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जबकि डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके पीछे ओबीसी पॉलिटिक्स कार्ड है। हालांकि बदलाव और बड़े उलटफेर की हवा झामुमे में भी देखने को मिल सकती है। सियासत के बाजार में खबर ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, दशरथ गरगई, लोबिन हेमरा समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के पहले राजनीति में बड़ा फेरबदल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में ओबीसी ने अपनी ताकत दिखाई थी, कुछ सीटें छोड़कर बीजेपी को हवा देने की कोशिश ने ओबीसी के हुंकार को कांग्रेस ने समझ लिया। ओबीसी कुर्मी वोटर एक जुटता लाने के लिए पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस की कमान केशव प्रसाद कमलेश को सौंप दी। बीजेपी ओबीसी कार्ड के खेलने के पहले ही कांग्रेस ने चाल चल दिया, तो मतलब साफ है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कांग्रेस जेएमएम में भागीदारी से हिस्सेदारी की भी बात बढ़ सकती है। मतलब कि एक तो ऑफिशियल जो ये होता है, सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, और नेतृत्व बदलने से संगठन पर वैसे कोई प्रभाव होना नहीं है। संगठन पूरी अपनी ताकत से काम करती है, और नेतृत्व बदलने और नेतृत्व भी एक अच्छे और जिम्मेवार व्यक्ति को, एक अनुभवी व्यक्ति को, जो पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं,
मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक रहे हैं दो दो बार, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को नेतृत्व मिला है, तो उसमें कहीं कोई इस बट की बात ही नहीं। कांग्रेस दुखी नहीं है, कांग्रेस में कितनों भी प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन कर ले, उनका हाशिए में जाना निश्चित है। अभी केशव गौतम कमलेश जी के कल उन्होंने आनंद फानंद में प्रदेश नेतृत्व चेंज किया। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप राहुल गांधी जी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, तो भी यहाँ कांग्रेस की दुर्गति होना निश्चित है और इसको भगवान भी नहीं बचा सकते। राज्य में 52% वोटरों की ओबीसी की हिस्सेदारी पर सभी की नजर है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों ने बीजेपी पर भरोसा किया। इंडिया गठबंधन आदिवासी अल्पसंख्यक के बाद ओबीसी वोटरों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की उम्मीद है। सियासत में ओबीसी कार्ड के खेल को समझने वाला दल बीजेपी और जेएमएम दोनों से ही सियासी शतरंज में कांग्रेस आगे है, तो वही आजसू पार्टी के सुदेश महतो और जयराम महतो का कार्ड कांग्रेस ने निकाल दिया है। अब कांग्रेस अल्पसंख्यक के साथ ओबीसी वोटरों को कितना साथ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे हिंदू वोटरों को साधने में जुटी है। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने पैतरेबाजी से सभी वर्गों को साधने में जुट गए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका गणित राजनीति के फॉर्मूले पर फिट बैठता है, ये कहे कि कौन पास होता है और कौन फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन से मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं परिचय करवा देते हैं आपका। रमाकांत महतो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जगदीश शाहू कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे साथ हेमंत गुप्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे और ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से हैं तो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जगदीश साहू जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ये जो राजेश ठाकुर जिम्मेदारी संभाल रहे थे आपकी पार्टी की, उन्हें हटाकर केशव महतो कमलेश को मौका दिया गया। सर, हम लोग के पार्टी के कमान संभाले लोकसभा सत्र में और उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। हम लोग का प्रदेश में कार्यकाल 3 साल का होता है, तो कार्यकाल उनका पूरा भी हो गया था। और रही बात कि झारखंड में आगामी चुनाव होने वाली है और केशव महतो कमलेश एक तपे तपाए नेता हैं, 85 में विधायक रहे, 95 में विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा किया है और भरोसा करके इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और सीएसपी लीडर रामेश्वर उरांव जी को बनाया, क्योंकि आज के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए हम लोगों ने अपना पार्टी में ओबीसी को जगह देने के लिए जगह दिया, अध्यक्ष बनाया, आदिवासी को ये का नाम है आपको सीएलपी लीडर बनाया और इनके नेतृत्व में हम लोग आगामी चुनाव में जाएंगे और बहुत ही लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। तो हमारी जो पार्टी है उनकी सोच है कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व देना, तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया और ओबीसी और आदिवासी दलित पिछड़ों। जगदीश जी, झारखंड में कांग्रेस जितनी बेसब्री से ओबीसी का चेहरा ढूंढ रही थी वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही आपको मिला राजेश ठाकुर चेंज हुए, आ गए सीधा महतो साहब, क्योंकि आपको पता है कि आजसू के पास भी महतो है, तो महतो वर्सेस महतो की लड़ाई और ओबीसी वोटर की तो पूरी की पूरी मारामारी है ही। अभी आपने खुद कहा, ठीक है जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, ये जो ओबीसी वाला कार्ड, अब 42% वोट है झारखंड में ओबीसी का, तो अब क्या बीजेपी को ये सोचना नहीं होगा या सोचने पे मजबूर कर दिया कांग्रेस ने कि ये जो आया नाम केशव महतो कमलेश जी का, ये आप लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ा कर सकते हैं? जी शिवम जी, झारखंड में 42% नहीं 52% और
अभी जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो अभी एक संवैधानिक पद में विराजमान है, उन्होंने वहां से रिजाइन भी नहीं मारी है। पिछड़ा वर्ग आयोग के वो माननीय सदस्य हैं अभी भी, और एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दूसरी बात है, जहां पर ये पिछड़ा प्रेम इन्हें दिखाने की बात आ रही है, ये कोई पिछड़ा प्रेम नहीं है। केशव अशोक कमलेश जी दिल्ली विधानसभा से दो बार विधायक चुने गए, मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, लोकसभा भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इस हाल के लोकसभा चुनाव में टिकट मांगते रहे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, और एक कांग्रेस पार्टी की मुझे लगता है सदस्य भी नहीं थी, उनका एक ही परिचय था, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की सुपुत्री का मात्र भर उनका परिचय था, उन्हें पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। ओबीसी प्रेम जो दिखाया जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से अभी 75 साल हो रहे हैं ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाई, वह काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओबीसी का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी ने आज ओबीसी प्रधानमंत्री दिया देश को, और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक काम किए हैं, और राज्य में भी आज देखेंगे कि पूरे देश भर की बात करें तो ओबीसी 27% से अधिक ओबीसी मंत्री। रमाकांत जी एक सेकंड, रमाकांत जी देखिए, राजनीति में बहुत पुरानी चीजें वर्तमान में खत्म हो जाती। अब देखिए हुआ क्या कि आप लोग पूरी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आप लोगों ने पूरी तरीके से मुद्दा बनाया। भाई ओबीसी हिंदू वोटर को आप भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी ओबीसी खेमे में वो शेरमानी नहीं करेंगे, तो वो जिसकी जितनी भागे हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला फिट ही नहीं बैठेगा जगदीश साहू जी का, तो आपके पास काट क्या है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं रमाकांत जी। भाई शिवम जी एक बात को समझिए, यदि बाहरी तत्व यदि आपको राज्य को ही समाप्त कर देंगे और आपका राज्य ही नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे, देश ही नहीं बचेगा, राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय स्तर पे कोई सुरक्षा आपके सेंधमारी करे और साथ में राजकीय सुरक्षा पे सेंधमारी करे। नहीं सर, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट आप ही की है, केंद्र सरकार आप ही का है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सेंधमारी हो रही है, जिम्मेदारी तो आपके भी हाथ में है ना, आप ऐसे जिम्मेदारी से पल्ले थोड़ी झाड़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, लेकिन राज्य की सुरक्षा चूंकि संघीय व्यवस्था है, यहाँ राज्य की भी उसमें अधिकार होते हैं, और हमारी सरकार बहुत दिनों से है नहीं, 10 सालों से हमारी राज्य केंद्र की सरकार है, और इससे पहले फिर यूपीए की सरकार रही, फिर हमारी कुछ दिन रही, लंबे काल तक कांग्रेस की सरकार रही। इन घुसपैठियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चिंतित रही, और हमारा हमेशा रहा है कि हम राष्ट्रवाद को लेकर के केंद्र बना करके राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे और भारत के नागरिक सुरक्षित रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये तुष्टिकरण की राजनीति और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तुष्टिकरण की राजनीति ये पा जाए तब न राज्य सुरक्षित हो जाए। दूसरी बात क्या है, ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शिवम जी जाति पार्टी लिंग क्षेत्र इस सबके ऊपर उठ के राजनीति करती है, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं यदि पिछड़ों की राजनीति करती है तो क्या ये इनको सवर्णों का वोट नहीं लेना है, नहीं ठीक है सवर्णों को हटा रहे हैं तो सवर्णों को वोट नहीं लेंगे क्या? ठीक है, मैं जगदीश जी क्षमता है, ठीक है रमाकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी ये बताइए कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे, हेमंत सोरेन जब नहीं थे, चंपई सोरेन जी पूरी जिम्मेदारी संभाले थे, राज्य बहुत बखूबी लेकर चल रहे थे, खबर आ रही है कि आपके सहयोगी दलों में खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े झारखंड जेएमएम के नेता हैं जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए ये सब अफवाह है, बीजेपी की रुख कर रहा है, ये भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र है कि प्रेस के माध्यम से गलत गलत फैलाने का, अफवाह उड़ाने का साजिश करते हैं। चंपत सोरेन का एक लंबा समय जेएमएम के साथ है और वो लंबा घोड़ा का रेस का घोड़ा है, इसलिए चंपत सोरेन कभी भी भाजपा के तरफ या दूसरे दल के तरफ कभी झुक के भी नहीं देख सकते, ये गलत रही बात।
पिछले पिछले दो ढाई महीने में रेस के घोड़े को चना नहीं खिलाया गया बिल्कुल? क्या मतलब है आपको? ये नहीं लग रहा जगदीश जी हो सकता है ट्रैक बदल ले घोड़ा? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बात जेएमएम का इंटरनल मामला था और जेएमएम जब जेएम हेमंत सोरेन जेल से छूटे तो उनको अपना पद सौंप दिए भाई आप। जगदीश जी लगातार आपसे बात करने में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ मैं आपके पास आऊंगा। रमा खान जी देखिए, अब खबरें चाहे जो भी आ रही हूं लेकिन सवाल तो यही है ना कि मतलब चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ऐलान होने लग गए हैं, ऐलान हो सकता है, तैयारी सबको अपनी अपनी पूरी करके रखनी होगी। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तो वो योजनाओं की बौछार लगा करके वो नैया पार कराना चाहते हैं, और यहां कांग्रेस ये ओबीसी कार्ड खेल करके कि अगर ओबीसी कार्ड हमारे पक्ष में आया तो 42% वोट ये निकाले जाएंगे। सर तो फिर राष्ट्रगान करते रह जाइएगा आप, राष्ट्रगीत बजाते रह जाइए कि नहीं हम जाति पाति नहीं करते हैं, सरकार तो उड़ा ले जाएंगे ना, मतलब आपको कार्ड तो निकालना पड़ेगा महतो साहब। ये तो आप कैसे पहले कह सकते हैं, सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे किए नहीं, आज नए सिगुफाए सरकार फूंक रही है, तो ये चलने वाले नहीं है। झारखंड की जनता इस लूज कसौट की निकम्मी सरकार को पहचान चुकी है, और जहां कांग्रेस पार्टी रहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी रही है, इनका भ्रष्टाचार से पुराने नाते रहे हैं और ये नाते होने का कारण भी रहे, और मुख्यमंत्री जैसे और कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री कैबिनेट जो बड़े नेता हैं विधायक दल के नेता से सलाखों के पीछे चले गए, तो आज तक इन्होंने जो वादे किए थे कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ने, इन्हें पूछिए भाई कोई भी वादे इनके पूरे हुए क्या? नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 5 लाख रोजगार, बेरोजगारी भत्ते, पेट्रोल डीजल में सब्सिडी, प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज, प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, हाँ है इनके। और अभी 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, 1000 रुपये से पहले ये तो 2000 देने के वादे किए थे, ये 2 महीना देंगे, 2 महीना देने में भी 1000 रुपये से अधिक खर्चे हो जा रहे हैं उनके, इतने दौड़ा रहे हैं ये, इनकी दुर्गति होने वाली है सरकार की, ये दिवालिया हो गई है सरकार, इनका मानसिक संतुलन सरकार का ठीक नहीं है। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है जगदीश जी ये बताइए कि देखिए पूरी तरीके से माहौल तो बन रहा है, आपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया, आप नेता विधायक दल भी अपना ले आए, सब कुछ ठीक हो गया, सब आपकी रणनीति चल रही है, सब आपका वो भी ओबीसी कार्ड हो, जाति कार्ड हो, जनजाति कार्ड हो, सब आप खेल रहे हैं, लग रहा है आपको कि केशव महतो साहब आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरेंगे और वो जो 40% आबादी वाला कार्ड देखकर आप ये लाए हैं महतो साहब को, वो वापस आएगा आपके खेमे में? और ये भी बता दीजिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कितने सीट पर निगोशिएशन हो रही है सर? जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है जगदीश जी, ठीक है, समय का अभाव होने के कारण चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। रमाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो झारखंड का सियासी गणित और सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो धीरे धीरे जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा समय बताता जाएगा, लेकिन सभी पार्टियां अपना अपना ओबीसी कार्ड और सियासी गणित बैठाने में लगी हुई है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार। We'll be right back.